Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the end of bipolarity, and in the previous class we have discussed about the consequences of disintegration of USSR, and we have seen that the most important consequence of this disintegration of USSR was the world turns from bipolarity to unipolarity. Only one superpower is left in the world politics, that is US, and in this way the hegemony of US starts. And with this, one of the most important natural outcome was the end of this Cold War. The Cold War, which was going on between US and USSR, that came to an end, and this war was a decisive war, because what we find that USSR is disintegrated. It was the defeat of the ideology of communism and socialism, है ना? अब जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो डिफीट हो चुकी थी, एंड कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी जीत चुकी थी. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन दैट ऑन द वर्ल्ड मैप सो मेनी न्यू कंट्रीज इमर्जेस, है ना? Like we have seen that these 15 republics who were the member of USSR, they become independent countries. So new countries emerges, and these new countries joins UNO, and they also join NATO in the afterwards, जो after years होते हैं बाद के साल में वो NATO को भी join कर लेते हैं, कुछ EU को भी join करते हैं. तो इस तरह से पूरे world का जो scenario है वो change हो जाता है, ठीक है? And then we see this what we find that one of the most important impact or consequence of this disintegration of USSR was the shock therapy. What happened that these 15 republics of USSR has what they have socialism, है ना? They have state controlled economy, they have planned economy, but now they all are disintegrated. They all have become independent countries, and now this disintegration was caused mainly because of the loopholes in the communist regime, in the communist system. So now there was need to change the system, है ना? अब वो they were not ready to go with the communist regime. अब उन्हें with the communist system of economy, जो communist economy थी उसको उन्हें follow नहीं करना था. They were supposed to follow the regime, follow the system of capitalism and democracy. तो क्या हुआ? Transition हुआ, है ना? ट्रांजिशन कहां से कहां? फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म. ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांजिशन होता है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में. अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, कैसा हो रहा है? बहुत ही सडन, बिल्कुल अचानक से सारी चीजें बिल्कुल बदल जाना, है ना? तो ट्रांजिशन हो रहा है, कैसा ट्रांजिशन है? द ट्रांजिशन इज सडनली सारी चेंजेस आ रहे हैं, रातों रात एवरीथिंग इज चेंज्ड. और ये चेंज कौन ला रहा है? उस कंट्री की गवर्नमेंट इज नॉट ब्रिंगिंग ऑल दीज चेंजेस, बिकॉज अभी तो सब कुछ नया नया है. गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी कायदे से नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ब्रिंग दीज चेंजेस. तो ये चेंजेस कौन ला रहा है? किससे इन्फ्लुएंस होकर के ये चेंजेस हो रहे हैं? दीज चेंजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड.
ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ने मिल करके इस इनको ये ट्रांजिशन कराया, ठीक है। और इसको हम क्यों शॉक थेरेपी कह रहे हैं? शॉक थेरेपी है क्योंकि शॉक, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जब किसी की कुछ ऐसी इलनेस होती है, मेंटल इलनेस होती है, तो उस इलनेस से उसको बाहर निकालने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्सन गेट रिड ऑफ दैट इलनेस, इलेक्ट्रिक शॉक इज गिवन, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो क्या होता है, उससे बहुत ही सडन इम्पैक्ट होता है, चीज़ें सही हो जाती हैं। बट ये जो सडनली इलेक्ट्रिक शॉक दे के किसी को सही किया जाता है, उसमें वो पर्सन जो होता है ना, उसको बहुत पेन होता है। द पर्सन अंडरगोज लॉट ऑफ पेन। तो इन द सिमिलर वे इसको हम शॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सडन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजिशन इज सडन, अचानक से किया जा रहा है। जैसे जो जब शॉक थेरेपी दी जाती है किसी को, इलेक्ट्रिक शॉक देकर के जिसकी थेरेपी की जाती है, तो जो थेरेपी हमें साल दो साल का समय लगता है, जिस थेरेपी अगर शॉक थेरेपी नहीं दी जाती तो इट कुड हैव टेकन 1 to 2 years फॉर दैट पर्सन टू गेट रिड ऑफ सम इलनेस। लेकिन अगर उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत हमको दिखने लगेगा। तो इसलिए इसको हम शॉक थेरेपी कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सडन हो रहा है। और इस सडन चेंज जो आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो कंट्री, उस कंट्री को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत ही पेनफुल कंडीशन से उन्हें गुजरना पड़ा, ठीक है। द कंट्री हैव टू एक्सपीरियंस पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुआ उनको, तो इसलिए हम इसको शॉक थेरेपी कहते हैं। और ये जो शॉक थेरेपी हुआ वो सारी कंट्रीज में हुआ, जो भी 15 रिपब्लिक्स आज़ाद हुए थे USSR से, उन सब में हुआ। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका जो इस शॉक थेरेपी का जो डायरेक्शन हर कंट्री, हर रिपब्लिक में जो शॉक थेरेपी हुआ, दैट वॉज डिफरेंट, है ना, वो अलग अलग था। कहीं पर उसका इम्पैक्ट, इंटेंसिटी और स्पीड जो थी वो डिफरेंट, लेकिन इस शॉक थेरेपी का जो डायरेक्शन था और जो फीचर्स थे वो सेम थे। इन ऑल द रिपब्लिक्स द डायरेक्शन एंड फीचर्स ऑफ द शॉक थेरेपी वॉज सिमिलर। इंटेंसिटी वॉज डिफरेंट, स्पीड वॉज डिफरेंट, है ना, बट द मेन फीचर्स एंड डायरेक्शन वॉज सिमिलर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी की स्टार्टिंग होती है। नाउ वी विल सी कि क्या हुआ शॉक थेरेपी के अंदर, USSR के जो रिपब्लिक्स थे वहां पर क्या होता है। होता ये है कि ट्रांजिशन, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसको लाना था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हटाना था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लाना था। जो भी सोवियत यूनियन के पीरियड में 1922 ऑनवर्ड्स जो भी सिस्टम इवॉल्व हुआ था अप टू 1991, उस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देना था, है ना, पूरे सिस्टम को एंड करके एक नया कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करना था, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो प्राइवेट ऑनरशिप था वो लाया गया, बिकॉज जो सबसे बेसिक चीज सोशलिज्म का होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना। बट अब जबकि हम ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, तो सबसे पहली चीज जो थी वो ये हुआ कि प्राइवेट ऑनरशिप को लाया गया, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कैसे प्रॉपर्टी को प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी था उसका प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहले चीज शॉक थेरेपी के अंदर हुई, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। स्टेट की जितने भी चीजें थी, जो भी स्टेट ओन कर रहा था, उन सबका प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होता है। So, this is the most important feature of shock therapy.
प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही हुआ कि जो स्टेट का असेट था, जो स्टेट की ओनरशिप थी, वो सब जो है वो अब प्राइवेट के लिए ओपन हो गए। जो कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम था उसको भी अब हटा दिया गया, कलेक्टिव फार्मिंग की जगह प्राइवेट फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। और एग्रीकल्चर में हर जगह, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, हर जगह हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कैपिटलिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिशन हुआ इसमें बस एक ही बात थी कि जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उसको हटा करके प्राइवेटाइजेशन को लाना, कैपिटलिज्म को लाना। तो फर्स्ट फीचर वॉज प्राइवेटाइजेशन। अदर देन दिस, अगर हम दूसरे फीचर्स को देखें कि इसके अंदर और क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो जो ये कंट्रीज थे, जो 15 रिपब्लिक्स ऑफ USSR थे, वहां पर क्या होता है कि इन कंट्रीज का एक्सटर्नल ओरिएंटेशन जो है उसमें भी चेंज आता है। क्योंकि जो सोशलिज्म था उसके अंदर क्या होता था कि जो रिपब्लिक्स थे USSR के, जो 15 रिपब्लिक्स थे, उनके बीच आपसी जो आपसी रिलेशन होगा, दे विल बी इन रिलेशनशिप विद द सोशलिस्ट कंट्रीज ओनली, दे वर नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप विद द कैपिटलिस्ट कंट्री, दे यूज टू बी अलूफ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, इट वॉज द सिस्टम अंडर द सोशलिज्म। बट अब क्या हुआ, अब ये चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, अब ये चेंज होता है कि अलूफनेस को बंद किया गया, जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसका एंड किया जाता है और इकोनॉमी को ओपन किया जाता है। ठीक है, कैसे ये होता है, इसका ये होता है कि जो ट्रेड, अभी तक ट्रेड जो था वो बंद था, तो अब वो फॉरेन ट्रेड की स्टार्टिंग हो जाती है ना। सो फॉरेन ट्रेड वॉज encouraged and this led to and this led to free trade and foreign इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो है उसको एनकरेज किया जाता है और इसी के साथ साथ फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ट्रेडिंग में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी, जो कस्टम्स ड्यूटी लगाए जाते हैं इंपोर्ट पे वो कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगे, बाहर के सामान आराम से आ सकेंगे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को भी प्रमोट किया गया, FDI की स्टार्टिंग की गई कि बाहर से भी जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल में कम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इस तरह से जो चेंजेस होते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं। तो डीरेगुलेशन होता है, फाइनेंशियल ओपनिंग होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें भी हमारे शॉक थेरेपी के अंदर जो है इसको भी हमने एक्सपीरियंस किया। एंड नाउ वी सी कि और क्या चीज़ें हैं अगर हम इसको देख रहे हैं शॉक थेरेपी को, तो इसके अंदर और क्या चीज़ें हुई। इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रेड रिलेशन अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज के बीच में था, वो ब्रेकअप कर जाता है और अब क्या होता है कि वेस्ट के साथ उनका डायरेक्ट लिंक स्टार्ट हो जाता है। नाउ दे स्टार्टेड टू बी लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट ओनली विद द कम्युनिस्ट कंट्रीज और एनीथिंग लाइक दैट। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उनका रिलेशन जो है वो मजबूत किया जाता है, स्ट्रांग किया जाता है ना। और जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो लीडर्स बन जाते हैं और गाइड करते हैं इसके ट्रांजिशन को। तो जो थर्ड फीचर इसका हम देखेंगे इस शॉक थेरेपी का, वो ये था कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद वेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज।
So, just we see the features of the SWOG therapy. The first was privatization. Everything was started to be privatized. The state ownership was ended. Then free trade was started. Whatever obstructions were there on the trade, those were ended. No obstruction. The trade became free. जो भी कस्टम्स ड्यूटी लगते थे वो सब हट जाते हैं. देन यू सी दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड. कि कैपिटल कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टेड इन दीज कंट्रीज. सो इन दिस वे वी हैव सीन. एंड नाउ वी विल सी द थर्ड एलिमेंट ऑफ शॉक थेरेपी. इट वॉज कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. एंड दीज वेस्टर्न कंट्रीज बिकेम द गाइड इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन. ओके, एंड नाउ वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी? जो कंसिक्वेंस था वो तो हम ये देखते हैं कि जो एफर्ट था, जो प्रॉमिस था, जो एक लोगों के मन में जो बिलीव था कि ये जो शॉक थेरेपी हो रहा है, इस थेरेपी से जो हमारी प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड कंप्लीटली एंड दे विल बी इन सच न्यू इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पर कि पुराने वाले सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, है ना. तो इसमें लोगों से यही प्रॉमिस किया गया था कि ये शॉक थेरेपी जो है वो उनको सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाएगी और जो कुछ भी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के दूर हो जाएंगे. दैट इज वाई इट वॉज एडमिनिस्टर्ड जस्ट लाइक अ थेरेपी कि ऐसा करने से सब सही हो जाएगा. बट एक्चुअली क्या हम देखते हैं कि जिस शॉक थेरेपी के कारण जो इन कंट्रीज, जो ये रिपब्लिक्स थे, उनके लिए वो बिल्कुल ही बर्बाद, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से रियन हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई इकोनॉमी. और लोग जो थे उनके ऊपर बहुत ही बुरा डिजास्टरस कंडीशन उन्हें फेस करना पड़ा, है ना. पूरे रीजन में जैसे कि आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो शॉक थेरेपी है दैट इज वेरी पेनफुल. इफ अ पर्सन अंडरगोज दैट काइंड ऑफ थेरेपी, इफ अ पर्सन इज गिवन इलेक्ट्रिक शॉक, देन इट्स वेरी वेरी पेनफुल. तो वो जो पेनफुल एक्सपीरियंस एक पर्सन फील करता है इन दिस इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी में, वही उसी टाइप का, उसी तरह का पेन जो है वो पूरे लोगों ने फील किया. और अगर हम रसिया को देखते हैं जो कि सबसे बड़ा रिपब्लिक था, सबसे मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक वॉज रसिया. रसिया की जो इंडस्ट्रीज थी, जो कि अभी तक पूरा का पूरा इंडस्ट्री स्टेट कंट्रोल था, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है. स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड इन रसिया. इकोनॉमी को जो थेरेपी दी गई, एक्चुअली उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरी की पूरी सिस्टम कोलैप्स कर जाती है. प्राइवेटाइजेशन होता है, जो भी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज होते हैं उनको सेल के लिए रख दिया जाता है. प्राइवेट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है. 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स. की अब तो स्टेट ओनरशिप खत्म हो गया, तो जो भी इंडस्ट्रीज थे उनमें से 90% जो थे उनको सेल के लिए रख दिया जाता है. उनका प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. और रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसको करने वाला कौन है? हु इज द ऑर्गेनाइजर? गवर्नमेंट वॉज नॉट देयर टू ऑर्गेनाइज ऑल दीज प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन.
actually we can say that the whole process of restructuring of economy was carried out through market forces. जो market forces थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे. Government was not doing anything because everything was new. It was not practically possible for the government to do all these things, to organize all these things. So what happened that market forces started to carry out all these things, and because of this what happened that the whole industry of Russia started to disappear. पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है और इसी में एक आता है कि द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री हुई. जो 90% ऑफ द कंपनीज एंड फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वेर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. तो ये जो सेल हो रहा था, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में सबसे बड़ा गराज सेल होता है. सेकेंड हैंड जो चीज़ों को बेची जाती है उसको हम गराज सेल कहते हैं. तो ये सबसे बड़ा, इतना बड़े लेवल पे गराज सेल आज तक नहीं हुई थी हिस्ट्री में, क्योंकि इतनी बड़ी रसिया, इतनी बड़ी कंट्री, उसके 90% जो इंडस्ट्रीज थे उनको सेल किया जा रहा था. तो इससे क्या हुआ, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थे, बहुत ही वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थे एक्चुअली, बट दीज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यू. और जब उनका इस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जब वो सेल के लिए ओपन कर दिए गए, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट दीज इंडस्ट्रीज वर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस. यू कैन जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतनी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज वर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, जिसको कि कहा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कि पानी के भाव में बिकना, है ना. इस तरह की चीजें कई बार हम मतलब फेस किए हैं, हम भी जानते हैं ऐसी चीजें होती हैं जब कभी हमें मजबूरी में किसी चीज को सेल करना होता है, तो यही कंडीशन होती है कि बहुत वैल्यूएबल है वो, बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमें जरूरत है उसको बेचने की, इसलिए हमको बहुत उसकी प्राइस कम करके, अंडर वैल्यू करके, उसको थ्रो अवे प्राइस पे बेचना पड़ता है. दैट एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड इन रसिया, एंड इट वॉज नॉट अबाउट वन और टू कंपनीज और समथिंग लाइक दैट. 90% ऑफ द होल इंडस्ट्रीज ऑफ रसिया वर सोल्ड लाइक दैट, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री. ओके, तो दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी. एंड नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेन दीज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू बी सोल्ड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, एक्चुअली वॉट हैपेंड दैट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वर गिवन वाउचर्स बाई द गवर्नमेंट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन. The citizens of the country were given vouchers. They have the power, they have the right, they can purchase the industry, they can have their share in the industry through the vouchers. ठीक है, उनके पास इतना vouchers उनको दिया गया था कि वो उस vouchers से industry को purchase कर सकते थे. Not the whole industry, but shareholders होते हैं ना, तो in that way they can purchase it. But actually what happened that the people were in so much need of their basic requirements that what they will do of the their share in the industries. They required food, they required shelter, they were not in the requirement of their share in the companies. Are you getting it? So vouchers were there with the people, but they were not able to purchase, they were not able to have their share in the industries, है ना. तो अब क्या हुआ, ये vouchers की black marketing start हो जाती है. These people, the ordinary, the common citizens of the country, they started to sell their vouchers, क्योंकि उन्हें voucher नहीं चाहिए था,
है ना, उन्हें तो पैसे चाहिए थे जिससे कि वो अपने डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ों को परचेज कर सके. दे हैव नथिंग टू डू विद देयर शेयर इन द कंपनीज और इंडस्ट्रीज. दे वॉन्टेड फूड, दे वॉन्टेड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वाउचर्स को सेल करना स्टार्ट किया. और ये सेलिंग कहाँ हो रही थी? दिस सेलिंग वॉज डन इन ब्लैक मार्केट्स. ओके, तो ब्लैक मार्केट्स में इन चीज़ों की सेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. और एक माफिया जो है, द माफिया स्टार्टेड टू कंट्रोल द इकोनॉमी. दिस वॉज द कंसिक्वेंस, वन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस शॉक थ्योरी. ओके, तो ये हम हो गया कि प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ. थ्रू अवे प्राइसेस पे चीज़ें बिकी, लोगों के पास वाउचर्स थे, वो चाहते तो खरीद सकते थे, बट दे वर नॉट इन रिक्वायरमेंट ऑफ देयर शेयर इन द कंपनीज. दे वर रिक्वायरिंग देयर बेसिक नीड्स, है ना, एंड दैट इज वाई दे स्टार्टेड टू सेल देयर वाउचर्स एंड द ब्लैक मार्केटिंग स्टार्टेड. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंसिक्वेंसेस है. सेकेंड कंसिक्वेंस जो हम देखते हैं वो क्या हुआ, वो है रूबल, जो कि रसिया का करेंसी होता है, RUBL. द वैल्यू ऑफ रूबल स्टार्टेड टू डिक्रीज. इस शॉक थेरेपी का ही ये इम्पैक्ट था कि जो रूबल, द प्राइस ऑफ रूबल, द वैल्यू ऑफ द रूबल स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्रामेटिकली. बहुत ही ज़्यादा तेजी से उसमें कमी आती है उसके वैल्यू में. और जब भी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो दैट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो एक तरफ रूबल का प्राइस, रूबल की वैल्यू कम होती है, दूसरी तरफ जो कमोडिटीज हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है. ठीक है, तो रूबल डिक्लाइंड, द वैल्यू ऑफ रूबल, यू कैन राइट, है ना, द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइंड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड, है ना. The value of rupee declined, price of goods increased. But this is another consequence, है ना. यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि बहुत सारे problems लोगों को face करना पड़ रहा है, because collective farming system जो था वो disintegrate हो गया. And when this collective farming system was disintegrated and personal farming was started, it's not कि आज collective farming एक बार में ख़त्म करके private farming start करेंगे तो एवरीथिंग वॉज रियूम्ड. क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्रोडक्शन में बहुत कमी आ गई. एंड नतीजा ये हुआ, द कंसिक्वेंस वॉज दैट देर वॉज लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी. पीपल वर नॉट हैविंग फूड सिक्योरिटी. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनकी कम से कम खाने की जो नीड थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी. एंड रसिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड. इन दिस सिचुएशन व्हाट वी फाइंड दैट रसिया हैज़ टू इम्पोर्ट द फूड. नॉट ओनली दिस, वी सी दैट द जीडीपी ऑफ रसिया इन 1999, द जीडीपी ऑफ रसिया वॉज बिलो वॉट इट वॉज इन 1989. अगर हम 1989 में रसिया की जो जीडीपी थी और 1999 में जो रसिया की जीडीपी थी उनको हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 99 की जो जीडीपी थी वो 1989 की जीडीपी से नीचे चल गई थी, जो कि बहुत ही इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जिसको हम कहेंगे कि जीडीपी का ग्रोथ इतना बिलो हो गया कि वो 10 साल पहले के लेवल से भी नीचे चला गया. तो इसका मतलब इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था.
these are the impact. Actually, these are the negative impact. है ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है शॉक थेरेपी के. ये तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से रूबल की प्राइस डिक्लाइन होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, फूड इंपोर्ट करना पड़ता है, जीडीपी उसकी इतनी लो चली जाती है कि वो 1989 के लेवल से भी नीचे चली जाती है. सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज. वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास.